दिस इज मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आज इस सेशन में हम लोग 20 मिनट्स के अप्रोक्सीमेटली वक्त में 40 सवाल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश करेंगे कि यार क्या हम 20 मिनट में किस तरीके से आरबी क्लर्क के या फिर आरबी पीओ के एग्जामिनेशन में 20 मिनट के आसपास हम कैसे 40 सवाल, रीजनिंग के 40 सवाल सॉल्व कर सकते हैं। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम चलते हैं सवाल पे। लेकिन जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और लगातार बने रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ और सवाल को सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सवाल कह रहा है कि 7 पर्सन P2V दैट मीन्स PQRST UV दे अटेंड द कॉन्फ्रेंस ऑन 7 कंसेक्यूटिव डेज स्टार्टिंग फ्रॉम संडे अटेंड्स द ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्लू स्टार्ट हो जाता है। तो हम सबसे पहले कि डे बेस्ड पजल है तो विल ट्राई टू फिक्स 7 डेज हियर, है ना। हम यहाँ पे 7 दिनों को फिक्स कर लेंगे, जल्दी जल्दी से चार्ट ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। और स्टार्ट करने को कहा गया है संडे से, तो संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। फर्स्ट क्लू कह रहा है आर अटेंड्स कॉन्फ्रेंस 3 डेज बिफोर यू, दैट मीन्स गैप ऑफ 2 विल बी अप्लाइड, दैट मीन्स कि यू से 3 दिन पहले, मतलब गैप ऑफ 2, ठीक है ना। एंड यू हु अटेंड्स कॉन्फ्रेंस बिफोर एस, जस्ट बिफोर एस, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी हमारे पास 5 दिनों का फ्रेम तैयार हुआ, लेकिन पता नहीं है कि आर कहाँ रखा जाए। उसने कहा आर डज नॉट अटेंड कॉन्फ्रेंस ऑन लास्ट डे, हटा दीजिए, वैसे भी नहीं पॉसिबल है। क्यू अटेंड्स द कॉन्फ्रेंस बिफोर आर, क्यू जो होगा वो आर से पहले होगा, तो आर के जस्ट पहले भी हो सकता है क्यू और यहाँ भी हो सकता है क्यू, मतलब दीज आर 2 पॉसिबिलिटीज फॉर क्यू। सो हम लोग भी छोड़ देते हैं 2 पॉसिबिलिटी, हमने 1 पॉसिबिलिटी जो भी मन में है सोच के रख लेते हैं यहाँ पे। वी अटेंड्स कॉन्फ्रेंस आफ्टर क्यू, वी जो है वो क्यू के बाद होगा, बट वी अटेंड्स द कॉन्फ्रेंस 2 डेज 2 पर्सन बिफोर टी, दैट मीन्स टी का 2 पर्सन पहले अगर वी होगा तो ऐसे होगा, गैप ऑफ 1 में होगा। तो इसका मतलब टी हम यहाँ रखेंगे तभी हमारा ये एक गैप है, वी हो सकता है यहाँ पर और क्यू यहाँ आ जाएगा फिर, दैट मीन्स ये हमारा सेक्वेंस है और पी यहाँ पे आ गया, सॉल्यूशन डन है। अब इस पूरे सेक्वेंस को आप उठा के डेज में रख सकते हैं या फिर यहीं पे आप सेट कर सकते हैं। तो मतलब डेज पे आप नहीं भी बनाए, अलग से ही रफली आपने ड्रॉ कर लिया सवाल को पूरा। सो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इस पे आधारित 5 सवाल जो होंगे वो आप अगले 30 सेकंड्स में या 20 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 आपका यहाँ पर सिलॉजिज्म का सवाल दिख रहा है। हिंदी लैंग्वेज भी अवेलेबल है लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हम सवाल को सॉल्व करते हैं हिंदी लैंग्वेज हटा के। ऑल बैट आर बॉल, ऑल बैट आर बॉल, देखो दोनों ही वर्ड यहाँ पर एक ही लेटर से हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, दोनों को प्रॉपर लिख देंगे यहाँ पे। ऑल बॉल आर बॉटल, ऐसा करके हमारे पास कुछ है, एंड देन सम बॉटल आर बैग, ये हमारा वेन डायग्राम है। नेगेटिव बात करेंगे नहीं, बिकॉज सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल बॉटल इज बैट, ऑल बॉटल इज बैट नहीं है, नाइदर नॉर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 हमारे पास है और ये भी इसका भी हिंदी लैंग्वेज अवेलेबल है, हटाते हैं इसे। ओनली अ फ्यू शूज आर सैंडल, ऐसा कुछ बोला गया है, ये शूज है और ये सैंडल है, ऐसे करके। सम सैंडल आर नॉट कम्फर्ट, ऐसा है, ये कम्फर्ट है। ऑल सॉफ्ट आर कम्फर्ट, ऐसा वेन डायग्राम बना है। सम शूज कैन बी कम्फर्ट, कुछ शूज जो है वो कम्फर्ट हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। ऑल सॉफ्ट कैन नेवर बी सैंडल बोला गया है, ऑल सॉफ्ट कैन नेवर बी सैंडल, ऑल सॉफ्ट कैन नेवर बी, क्या सारे सारे सॉफ्ट सैंडल नहीं हो सकते, हो सकते हैं, अगर हो सकते तो ये बात गलत है। ओनली फर्स्ट फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, इसका हिंदी लैंग्वेज लाता हूँ मैं, बट इसको मैं तुरंत से हटा रहा हूँ, सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। सम टाउन आर सिटीज, सम टाउन आर सिटीज, ओनली अ फ्यू सिटीज आर स्टेट, ठीक है, एंड ऑल स्टेट आर कंट्री, ठीक है, ऐसा कुछ है। ऑल टाउन बींग स्टेट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे सारे टाउन स्टेट हो सकते हैं, नो रिलेशन है, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। सम कंट्री सिटी, कुछ सिटी जो है वो कंट्री हो, कुछ कंट्री सिटी हो सकते हैं, कुछ सिटी कंट्री सिटी हैं, हाँ बिल्कुल है, और ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। देखो अगर बोल रहा हूँ फिर भी थोड़ा सा ज्यादा सेकंड लग रहा है, लेकिन अगर मैं नहीं बोलूंगा तो और भी तेज हम कर सकते हैं सवाल को, ठीक है। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, इसका हिंदी लैंग्वेज इसको हटा रहा हूँ। नो ग्लासेस, नो ग्लासेस ओपेक, ठीक है। नाउ सम प्लास्टिक, ओनली अ फ्यू ओपेक इज ट्रांसपेरेंट, ऐसा कुछ करेंगे हम लोग यहाँ पे, देन सम ट्रांसपेरेंट इज प्लास्टिक, ऐसा बनेगा। नाउ सम प्लास्टिक कैन नेवर बी ग्लास, सम प्लास्टिक कैन नेवर बी ग्लास बोलना गलत हो जाएगा, आराम से हो सकते हैं। ऑल ओपेक कैन बी ट्रांसपेरेंट, सारे ओपेक जो है वो ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, नाइदर नॉर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास जो है वो 10 to 11, ये सवाल आपका फिर से एक पजल का सवाल दिख रहा है, कंपैरिजन पजल का सवाल इसे आप कह सकते हैं। बिकॉज 8 पर्सन A to H वर्क्स इन अ कंपनी एंड गेट डिफरेंट सैलरी, 3 पर्सन गेट सैलरी बिटवीन एफ एंड बी, एफ और बी के मध्य में 3 लोग सैलरी लेते हैं, दैट मीन्स की एफ अगर यहाँ पर होगा तो 3 गैप मेंटेन करने के बाद हम यहाँ पे इस तरीके से बी को प्लॉट कर सकते हैं, ये रहा आपका बी, एफ एंड बी में 3 पर्सन है, इसका 2 संभावना बनेगा, बी यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है आपका, ये एफ हो जाएगा,
3% गेट सैलरी बिटवीन एफ एंड बी, एफ गेट्स जस्ट मोर सैलरी देन एच, एफ जो होगा वो एच से ठीक ज़्यादा होगा, एफ जो होगा वो एच से ठीक ज़्यादा होगा। 2% गेट सैलरी बिटवीन एच एंड डी, एच और डी के बीच में दो लोग होंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी सेकंड प्रोजेक्शन में 6 लोग हो चुके हैं, उधर नहीं जा सकते, हम डी को यहाँ ड्रॉ करेंगे। इसमें हमारे पास जगह जो है वो इधर ही बन सकता है, तो हम डी को यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। गैप ऑफ 2 हो चुका है एच और डी में, ठीक है। डी हु डज नॉट गेट्स लोवेस्ट सैलरी, डी के पास लोवेस्ट सैलरी नहीं है। ए गेट्स मोर सैलरी देन सी, ए की सैलरी सी से अधिक है बट लेस सैलरी देन बी, लेकिन ए के पास बी से कम सैलरी है। तो केस वन तो यहीं चला जाएगा, गलत हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास 4, 3, 7 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, बी के बाद हम 2 लोग रखेंगे तो 9 लोग हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, 8% हमारे पास है। दैट मीन्स केस 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास बी से पहले, सॉरी बी के बाद हमारे पास ए और सी रखना है, और हमारे पास यहाँ 6 लोग का फ्रेम तैयार है। बाकी आगे कहा गया सी गेट्स मोर सैलरी देन एच, और सी का सैलरी जो है वो एच से अधिक है, दैट मीन्स ये कन्फर्म है फिर तो कि ए और सी यहाँ पे आ जाएगा। जी गेट्स मोर सैलरी देन बी, जी की सैलरी बी से अधिक है बट नॉट मोर, जस्ट मोर सैलरी, दैट मीन्स जी अगर हो यहाँ पे नहीं होगा लेकिन यहाँ पे जरूर जी होगा। अब हमारे पास ये 8 लोग बन चुके हैं, 1% मिसिंग है, वो आई थिंक ई है, ये आपका हो गया सॉल्व। इस पे बता के 5 सवाल आप आराम से कर सकते हैं, चूँकि हम ये जो बात करने वाली बात हम ले रहे हैं ना, इसको हम टाइम कंज्यूम करा रहे हैं, रिलेट कर सकते हैं आप इसको, इन्वेस्ट कर सकते हैं आप उसको सवाल को सॉल्व करने, बिकॉज मैं आपको बता भी रहा हूँ सारी चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। इस सवाल में कहा गया है इन द गिवन नंबर 4352 6373, 2 इज एडेड टू ईच इवन नंबर एंड 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड नंबर, देन हाउ मेनी डिजिट्स रिपीटेड। रिपीटेड वाला सवाल पूछा गया है, तो हम तुरंत से फटाफट प्रोसेस करना शुरू करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं हो पाएगा इसमें। 4 है इवन नंबर, इवन में क्या करना है अपने को, 2 जोड़ना है, तो ये हमारा 6 हो गया, इसमें 1 घटाएंगे, ये हमारे पास 2 हो जाएगा, 5 हमारे पास है तो 4 हो जाएगा, 2 है तो वो 4 हो जाएगा, 6 है तो वो 8 हो जाएगा, एंड 7 है तो 6 हो जाएगा, 3 है तो 2 हो जाएगा। हमारे पास 2 रिपीट कर रहा है, 4 रिपीट कर रहा है, 6, दैट मींस 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है, व्हाट इज द कोड फॉर डायरेक्शन, चाइनीज कोडिंग का सवाल है। पहला सवाल डायरेक्शन का पूछा गया, कोड क्या है, डायरेक्शन हमारे पास सिर्फ यहाँ नजर आ रहा है, दैट मीन्स की थर्ड सेंटेंस में नजर आ रहा है, और थर्ड सेंटेंस में हमारे पास एक यूनिक कोड होगा, वो आई थिंक टी सी है, टी सी, क्योंकि टी सी कहीं नजर नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, टी सी। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है कि भाई के डी किसका कोड है, के डी कोड हमारे पास यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, फर्स्ट और फोर्थ में नजर आया है के डी, और के डी के साथ और कोई वर्ड ऐसा, और कोई कोड ऐसा जो फर्स्ट और फोर्थ में ही सिर्फ कॉमन हो, वो वाई एक्स है, बिकॉज मैं ऐसा क्यों चेक किया, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन में आइदर आइदर दिख रहा था, तो इसे प्रोवोक कर रहा है कि हम आइदर की तरह सोचें। तो तुरंत देखा कि भाई के डी के साथ और कोई वर्ड और कोई कोड ऐसा है कि जो फोर्थ फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन हमने वाई एक्स पाया, तो ये कन्फर्म है कि अब इसका आंसर आइदर में ही पॉसिबल है, इसने बीच अमंग फॉलोइंग इज बोला है, तो ऑफकोर्स एक्जैक्ट आंसर पॉसिबल नहीं दे सकते हम लोग यहाँ पे, सो या तो ई या तो सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। यहाँ पर रिलैक्स और माइंड है, यहाँ पर एंड और रिलैक्स है, तो ऑप्शन नंबर हम सी डायरेक्टली बिना चेक किए हुए भी आंसर मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, वाई एक्स का फ्री तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वाई एक्स जहाँ पे है उस सेंटेंस में ये नहीं है, योर जहाँ पे है वहाँ पे एस एल नहीं है, एंड जहाँ पर है वहाँ जे टी है क्या, तो फर्स्ट और सेकंड में एंड है, फर्स्ट और सेकंड में जे टी भी है, और जे टी लिंक थर्ड में भी है, वहाँ एंड नहीं, हटा दीजिए। काउंट एन सी, काउंट जहाँ पर है वहाँ एन सी है क्या, ऑफकोर्स एन सी वहाँ है, और सिर्फ वहीं पे, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज द कोड फॉर काउंट योर। अब काउंट वर्ड का कोड अभी हमने डिस्कस किया था एन सी, योर का कोड हमारे पास क्या होगा, रिलैक्स और माइंड का अगर वाई और के डी है, दैट मीन्स योर का हो जाएगा आपका बी एन, तो ये एन सी और बी एन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर रिलैक्स एंड फ्री, रिलैक्स हमारे पास यहाँ पर है, देखो इस कोड इसका करेक्ट आंसर आइदर में ही पॉसिबल है ना, बिकॉज व्हाट इज पूछा गया है, और रिलैक्स का जो कॉन्सेप्ट कितना काम आता है यहाँ पे, रिलैक्स एक ऐसा वर्ड है जिसका आंसर एग्जैक्ट पॉसिबल ही नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते एग्जैक्टली इंडिविजुअली, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सिर्फ कॉन्सेप्ट के आधार पर हम निकाल लिया है सवाल को। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं फिर भी सॉल्व कर सकते हैं, रिलैक्स का कोड क्या हो सकता है, वाई एक्स हो सकता है या तो के डी हो सकता है, चलो ठीक है। और कोड फॉर एंड, एंड का हमारे पास जे टी, याद कीजिए जे टी हो जाएगा, तो जे टी लिख दीजिए आप, जे टी लिख दीजिए। फ्री का कोड क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड में फ्री है, थर्ड में भी फ्री है, एक मिनट, फ्री भी हमारे पास, अच्छा एंड का जे टी नहीं होगा, फ्री का जे टी हो जाएगा, एंड का क्या होगा भाई, फिर एम डी हो जाएगा, एम डी यहाँ प्लेस कर दीजिए, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी हमारे पास, देखो एम डी जे टी के डी यहाँ पर है, एंड एम डी जे टी वाई एक्स यहाँ पर है, दैट मीन दोनों ही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी एन सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21 से 25 आपके स्क्रीन पे है। ये सवाल जो है, ये सवाल आपका फ्लोर बेस्ड पजल का दिख रहा है, सवाल हिंदी लैंग्वेज अवेलेबल है लेकिन मैं हिंदी हटा के सवाल को सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। सवाल में कहा गया है 8 पर्सन है, 8 फ्लोर पे ये लोग हैं, दैट मीन्स की हम सबसे पहले काम यहाँ पे करेंगे फ्लोर ड्रॉ करेंगे, 8 फ्लोर की बिल्डिंग फटाफट तैयार करते हैं, 4 और ये रहा 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है।
पी इज थर्ड फ्रॉम टॉप, पहला एक क्लू बहुत बढ़िया है कि पी आपका थर्ड है टॉप से, चलो ठीक है। देर आर देर इज वन पर्सन बिटवीन पी एंड क्यू, पी अगर यहाँ तो क्यू यहाँ, पी यहाँ तो क्यू यहाँ, फटाफट हाँ चलना चाहिए। देर आर थ्री पर्सन बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के मध्य में तीन है, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा क्यू, अगर यहाँ पे है तो हमारा आर जो का टॉप पे चला जाएगा गैप ऑफ थ्री। देर आर थ्री फ्लोर बिटवीन क्यू एंड आर, ठीक है डन है। टी इज जस्ट बिलो आर, सॉरी टी इज जस्ट बिलो क्यू, टी विल बी हेयर, टी विल बी हेयर। नाउ थ्री फ्लोर्स आर देयर बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के मध्य में तीन है, टी और एस के मध्य में तीन है, परफेक्ट चल रहा है अभी तक। टी इज जस्ट अबव यू, टी इज जस्ट अबव यू, यहाँ पॉसिबल है यहाँ पॉसिबल नहीं। वी लिव्स अबव डब्ल्यू, वी जो है वो डब्ल्यू से ऊपर है बट नॉट इमीडिएट अबव, ऑफकोर्स पॉसिबल भी नहीं है। वी यहाँ पे डब्ल्यू यहाँ पे, आई थिंक सॉल्यूशन डन है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है ना। क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कोई रिपीट तो नहीं किया हम लोगों ने लेटर्स यहाँ पे, यू वी डब्ल्यू पी क्यू आर एस, ठीक है। अब इस पे आधारित पांच सवाल जो है इजिली आप कर सकते हैं अब अगले 25-30 सेकंड में। आगे बढ़ते हैं, सवाल में हमारे पास है कि एफ से सी कंपेयर करना विदाउट कॉमा, क्वेश्चन है। एफ से सी में हमारे पास पहला सही है बिकॉज एफ से सी उल्टा चल के आ रहे हैं। जी से ई की बात करते हैं, जी हमारे पास यहाँ यहाँ उल्टा सिंबल है, मतलब यहाँ पे अपोजिट सिंबल है, कट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जी से ई, ठीक है ना। हाँ, और एफ से सी आपका ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 27 आपका पी से एस कंपेयर करना, पी से एस में हमारे पास लेस लेस आएगा, लेस इक्वल नहीं आएगा, कट कर दीजिए। एन से टी की बात करते हैं, एन हमारे पास यहाँ, टी यहाँ पर, आउटपुट विल बी लेस इक्वल, यहाँ कट कर दीजिए, नाइदर नॉर हो जाएगा कहीं पे। यहाँ पर इज इक्वल टू वाली कंडीशन तो नहीं है, एन और किसी और में, एन और पी एस ऐसा कुछ नहीं है, नाइदर नॉर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 28 आपके पास है, ओ से एस कंपेयर करना है, ओ यहाँ पर, एस यहाँ पर, आउटपुट विल बी लेस, लेस इज देयर। पी से टी की बात करते हैं, पी हमारे पास जो है वो पी से टी में भी लेस आएगा, ये भी है, दैट मींस बोथ टू ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जे से एम की बात करते हैं, जे यहाँ, एम यहाँ, उल्टा सिंबल कट कर दीजिए। ओ से एल की बात करते हैं, ओ यहाँ, एल यहाँ, उल्टा सिंबल, लेकिन इंडिफिनिट सिंबल आउटपुट आएगा यहाँ पे, इंडिफिनिट सिंबल नहीं है। क्या ये हमारा आइदर हो सकता है, आइदर का भी कोई स्कोप नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है, ये आपका सिंपल सिंपल आपका ये कोडिंग है। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज पैक इज कोडेड एज क्यू बी डी एल, दो दो रेफरेंस दिया हुआ है और लीड का पूछा गया आपसे, तो पैक में क्या हो रहा है, पी क्यू हो रहा है, रेफरेंस प्लस वन हो रहा है, ए का प्लस वन बी हो रहा है, सी का प्लस वन डी हो रहा है, के का प्लस वन एल हो रहा है, प्लस वन चल रहा है, एल का प्लस वन डायरेक्टली चेक करते हैं तो क्या होगा, एम होगा, ऑप्शन नंबर ये गया और ये गया। डी अब लास्ट में चले जाइए, डी का प्लस वन क्या होगा, ई होगा, ई यहाँ नहीं, कट कर दीजिए। अब एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, ए का क्या होगा, सेकंड लास्ट बी होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 31 से 35 आपके स्क्रीन पर है, एट पीपल जे के एल एम एन ओ पी क्यू दे आर सिटिंग ऑन सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर नॉट इन द सेम ऑर्डर, उसका क्लू स्टार्ट हो जाता है, हिंदी में हटा रहा हूँ, सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। दो प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे आप फटाफट यहाँ पे, दो प्रोजेक्शन मतलब इस तरीके से कुछ आप ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से आपने ड्रॉ किया, इस तरीके से आपने ड्रॉ किया, ठीक है ना, इस तरीके से आपने ड्रॉ किया, ठीक है। अब अगर मतलब न्यू कॉमर है, न्यू मतलब फ्रेशर है, आपने पहला एग्जामिनेशन आपका है तो एरो ड्रॉ कर लीजिएगा, नहीं आपका पहला एग्जामिनेशन, आपने काफी सवाल सॉल्व कर रखे हैं तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट क्लू इज सेइंग ओ सिट्स, ओ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के थर्ड राइट में आपका कौन है, ओ है, परफेक्ट। देर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड जे, एम और जे के मध्य में सिर्फ एक पर्सन है, तो एम और ओ यहाँ पर, तो जे यहाँ भी हो सकता है बिकॉज वी आर नॉट क्लियर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एम एंड जे। देर आर ओनली थ्री पर्सन बिटवीन जे एंड के, तीन लोग अगर हैं तो जे और के आमने सामने हो जाएगा बिकॉज वो मालूम होगा, आठ लोग अगर होते हैं और तीन लोग का गैप बताता है तो वो आमने सामने होते हैं। पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, पी जो है वो इमीडिएट नेबर है जे का, पी इज इमीडिएट नेबर ऑफ जे, तो संभावनाएं बन सकती हैं सेकंड प्रोजेक्शन में, ठीक है ना। देर इज ओनली थ्री पर्सन बिटवीन पी एंड एल, और पी और एल में तीन लोग होंगे, तो पी अगर यहाँ है तो एल यहाँ है। अब जो केस टू में हमारे पास पी को लेके एक प्रोजेक्शन बना था, पी यहाँ होगा या यहाँ होगा, पी यहाँ नहीं हो पाएगा बिकॉज पी और के सामने एल रखना पड़ेगा, इट इज नॉट फिजिबल, तो हमने पी को यहाँ पर वेट किया, देखो हमने वेट किया यहाँ पर, अगला क्लू सपोर्ट कर दिया, तो पी के सामने एल हो जाएगा यहाँ पर। नाउ एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, इसमें पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी ओ रखा हुआ है, केस बन गया, एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, दैट मीन्स इसमें हमारे पास सब कुछ सस्टेन कर गया बिकॉज एन को रखने का जगह था हमारे पास। अब एक एलिमेंट कोई मिसिंग है, उसको हमें प्लॉट करना है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू को हम यहाँ प्लेस करेंगे, आंसर मिल चुका होगा। सो आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। सवाल नंबर 31 से 35 डन, सवाल नंबर 36 आपके स्क्रीन पे है, इसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज का सवाल, पांच सवाल आई थिंक इसमें बेस्ड होंगे। इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड, सारे नंबर ड्रॉप कर दिए जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एट टू द फ्रॉम द राइट एंड, आठवां एलिमेंट क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, फॉलोइंग बोला है तो एलिमेंट नहीं बोला उसने, तो अभी आपको एलिमेंट रीड करना है लेकिन ड्रॉप करना है नंबर्स को, तो हम काउंटिंग करते हैं नंबर को इग्नोर करेंगे, बाकी हम लेटर और सिंबल काउंट कर सकते हैं, तीन चार पाँच छः सात और आठ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह से बोला जाएगा और आपको लगता है कि नंबर्स उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है जिस चीज़ को ड्रॉप करने कहा गया है, तो आप वहाँ पे इंडिविजुअली ऐसे से काउंट कर लिया कि जैसे हमने यहाँ पे काउंट किया ए, फिर पावर सिंबल एन, हमने फिर देखा ओ है, यहाँ पे जे है, इस तरह से हम काउंट करते हैं छः सात आठ,
परसेंटेज आउटपुट निकल के आ गया। सवाल नंबर 37 आपके स्क्रीन पे है और कहा गया है कि हाउ मेनी सच वोवेल्स, दैट मीन्स को वोवेल को टारगेट करने कहा गया। रफ शीट में बस इतना इस तरह से लिखना है आपको, प्रीसीडेड बाई कॉन्सोनेंट, दैट मीन्स पहले कॉन्सोनेंट चाहिए फॉलोड बाई नंबर, ऐसा कुछ चाहिए, बाद में नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो हम वोवेल को ही टारगेट करेंगे बिकॉज वोवेल को टारगेट करके उसके बाद हम यहाँ पे नंबर को ढूंढ रहे होंगे, उसके पहले हम फिर कॉन्सोनेंट देखेंगे, ठीक है ना। वोवेल हमारे पास जहाँ पे भी है उसके बाद नंबर नहीं है, वोवेल हमारे पास आगे कहाँ पे है, वोवेल 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 यहाँ पे भी ओ है, इसके बाद नंबर है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, एक काउंट कर लिया हम लोगों ने, वोवेल नंबर कॉन्सोनेंट नहीं है, हमारे पास अभी एक ही मिला है, क्रॉस चेक वापस कर लेंगे, वन हमारे पास है ऑप्शन में, ऑप्शन में बी इज द करेक्ट आंसर, और कहीं वोवेल हमारे पास नजर नहीं आया, सिर्फ ई नजर आया और ओ नजर आया, और कोई वोवेल हमारे पास है क्या, नहीं है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 38 आपके स्क्रीन पे, हाउ मेनी सच सिंबल्स दिस टाइम दे हैव सेट टू टारगेट सिंबल एंड ईच ऑफ विच इज मेडली प्रीसीडेड एंड ऑल्सो फॉलोड बाई कॉन्सेंट, पहले और बाद दोनों ही कॉन्सेंट चाहिए, तो डायरेक्टली हम सिंबल को टारगेट करेंगे बिकॉज सिंगल सिंबल को हमारे लिए बहुत ईजी होता है फोकस करना, सिंबल के अगल बगल हमारे पास कॉन्सेंट हैं, सिंबल के अगल बगल कॉन्सेंट यहाँ नहीं है, सिंबल के अगल बगल कॉन्सेंट हमारे पास नहीं है, सिंबल के अगल बगल कॉन्सेंट हैं हमारे पास यहाँ पर भी नहीं है, दैट मीन्स टू इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन में सी इज द करेक्ट आंसर, आई होप आई एम करेक्ट, कोई इशू क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जहाँ भी हल्का भी लगता है डाउट है वहाँ तुरंत क्रॉस चेक कीजिए, तुरंत से एकदम, कोई गलती नहीं करनी, जो गलती मिल गया हमें यहाँ पर, क्या गलती मिला कि हमने यहाँ पे इसको ई को हमने काउंट कर लिया कॉन्सेंट के तौर पर, ये भी नहीं हो पाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक दिख रहा है सिंबल, फिर से हमने मिस किया था ये चीज़, और यहाँ पे अच्छा टू हमारा करेक्ट आंसर, बट यहाँ पे हमने कुछ गलती किया था। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, सवाल 39 आपके स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ लेफ्ट 13th लेफ्ट, दोनों डायरेक्शन कॉमन है, कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, 13 में से 5 घटाई कितना मिलेगा, 8 5 13 8 मिलेगा, काउंट करना है लेफ्ट साइड से 8, तो 4 4 8, ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ डिफरेंट डायरेक्शन है लेकिन ऑफ क्यू बोला गया, ध्यान से करेंगे इस सवाल को, थोड़ा ध्यान से करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ राइट 13th लेफ्ट ऑफ क्यू, तो भाई यहाँ पे मैं पहले तो लेफ्ट और राइट है फिफ्थ और यहाँ पे लेफ्ट है तो डायरेक्शन जोड़ना पड़ेगा अपने को यहाँ पे, लेफ्ट साइड से क्यू के लेफ्ट साइड से, क्यू हमारे पास कहाँ पे है तो यहाँ पे है, 5 और 13 कितना होता है, 5 8 5 13 होता है, मतलब सॉरी 13 और 5 कितना होता है 18 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 4 8 4 12 4 16 2 18 एस एस हमारे पास आ रहा है, हम जोड़ रहे हैं क्या इसमें, फिफ्थ टू द राइट ऑफ 13th एलिमेंट फ्रॉम टू द लेफ्ट ऑफ क्यूब बोला गया, सॉरी सॉरी मतलब माय मिस्टेक माय बैड, जो मैं थोड़ा ज़्यादा ही स्लो हो गया सवाल में क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है ना। एनीवेज क्यू के हमें पहले 13th पे आना है ना, तो हम इसमें आई थिंक क्योंकि रेफरेंस दे रखा है उसने, तो हमें इसमें माइनस करना पड़ जाएगा बिकॉज रेफरेंस हमारे पास ऑलरेडी क्या है यहाँ पे समझिए, तो राइट है, तो पहले हम राइट और फिर हमारे पास 13th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ दिस, तो हमारे पास 13th एलिमेंट लेफ्ट जो होगा वो क्या होगा, 4 4 8 4 12 और 13, ये हमारे पास पहुंचेंगे यहाँ पे, फिफ्थ टू द राइट ऑफ दिस वन, दैट मीन्स हमारे पास हो जाएगा 4 और ये एफ एफ हमारे पास ऑप्शन सी में। सो आई थिंक वी हैव डन ऑल 40 क्वेश्चंस विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 18 मिनट्स, हमने 18 मिनट में सवाल को तय किया, पूरे सवालों को सॉल्व किया 18 मिनट में, 18 मिनट्स में हम लोगों ने सारे सवाल सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन हाँ इसमें एक चीज़ है कि मैंने जैसे जो 5 सवाल आपके डिपेंडेंट होते हैं सिटिंग एलिमेंट पे उसको हमने सॉल्व नहीं किया, लेकिन हाँ ये फिर आप मैनेज कर सकते हैं वहाँ पे, दोनों चीज़ों को कॉपअप कर सकते हैं कि हमने हर सवाल में बोला है, जबकि आप अगर थोड़ा सा और अच्छे आप नहीं बोलेंगे तो आपकी एक्यूरेसी और अच्छी रहेगी, और चूंकि बोल रहे हैं आप बार बार चीज़ों को बोल रहे हैं, जबकि आप मन में कर रहे होंगे तो एक होता ना एकांत वाली बात और शांति वाली बात, तो आप आराम से और अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज क्लॉक के पेपर में हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात कि रफ्तार ही सब कुछ है, बिकॉज हर एक सवाल डुएबल होगा। अब एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ आपको, एक चीज़ यहाँ पर ब्लड रिलीजन का सवाल इस सेट में नहीं नजर आया, हो सकता है आपके पेपर में नजर आए, तो इसलिए मैंने बताया 18 मिनट आपके पास हैं, तो हो सकता है आपका 20 मिनट खर्च हो जाए, लेकिन मैं कह रहा हूँ रफ्तार देख रहे हैं आप, मतलब इससे इस पूरे डिस्कशन से इस पूरे सेशन से आपको सिर्फ ये चीज़ निकालनी थी किस तरीके से फटाफट आपका रिएक्शन होना चाहिए सवालों पे, अटैक जो होता है ना अटैक, तो अटैक होना चाहिए। सो आई होप ये पूरा डिस्कशन आपको काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा, बाकी आप सभी को इतना ही बोलूँगा कि बी पॉजिटिव, बहुत अच्छा पढ़े हैं आप लोग तो अच्छा करेंगे आप लोग, मेरी तरफ से आशीर्वाद है, ऑल द बेस्ट, फोड़ के आइए, कल मिलते हैं एनालिसिस में, एनालिसिस में कल मिलेंगे हम लोग 9:30 बजे, और कल देखते हैं पेपर कैसा रहेगा, क्योंकि ये पेपर कैसा होगा ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, और हम सब की के लिए इम्पॉर्टेंट होगा एक्चुअली में, ठीक है ना। सो मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे एनालिसिस में, एग्जाम एनालिसिस में, जिनका एग्जामिनेशन 2nd 3rd या 4th shift में है या 13th को या 14th को है, सभी लोग एनालिसिस में आमंत्रित हैं और आना भी चाहिए आप सभी को, एनालाइज करना चाहिए, देखना चाहिए क्या था पेपर।
ओके सो साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल, ब्लेसिंग्स एंड ऑल द बेस्ट.